जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विदरुण में आपका स्वागत है। दोस्तों 2021 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो निकली थी उसका फिजिकल स्टार्ट हो गया है और दौड़ में 4800 मीटर दौड़ना है, वो भी आधे घंटे के अंदर ही उसकी है। तो मैं आपको रेस के संबंध में, इस दौड़ के संबंध में आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगा जिससे आप 100% अपना क्वालिफाई हो जाएंगे और किसी भी तरीके से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी आगे मैं आपको मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा और आगे जो जो समस्याएं आने वाली हैं या जो जो दिक्कतें होंगी या जो कंफ्यूजन आपके अंदर है उन चीजों को मैं दूर करूंगा। तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में पूछें कि आपको क्या जानना है इस बारे में। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले आप अपना सुबह शाम कम से कम सुबह और शाम में 30-35 मिनट डेली दौड़ें। सुबह और शाम को 30 से 35 मिनट डेली दौड़ना है, कोई छुट्टी नहीं लेनी है। सुबह दौड़ के शाम को नहीं दौड़ोगे, शाम को दौड़ोगे सुबह नहीं दौड़ोगे, ये बहाना और नाटक मत करना। पहली बात, दौड़ना है आपको सुबह भी और शाम को भी, पहली बात। दूसरी बात है, आपको अपनी घड़ी से दूर रहना है। जो ये घड़ी लगा के देखते हो ना कि हाँ कितने मिनट हो गए, कितना क्या हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको घड़ी दूर रखनी है, आप अपनी घड़ी को दूर रखिए, 30 से 35 मिनट दौड़िए या 12 राउंड पूरे करके आप तब घड़ी चेक करिए कि अपनी आपकी टाइमिंग क्या है। असल में आपकी टाइमिंग तभी मालूम हो पाएगी। तीसरी बात, अपना ट्रैक चुन लीजिए, आपका ट्रैक कौन सा है। एक अच्छी स्पीड तय कर लीजिए कि आपको किस स्पीड में दौड़ना है। आपकी अगर स्पीड बढ़ नहीं रही है, उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा आखिरी में उसके लिए क्या करना है। आपको इतना सब कुछ तो कर लेना है, एक अच्छा दोस्त या कोई पार्टनर या कोई फ्रेंड हो जो तैयारी कर रहा है इस चीज की, तो हो सके तो उसके साथ दौड़िए। आप अकेले दौड़ेंगे तो मेरे ख्याल से इतना मजा नहीं आएगा, दो लोग हो जाएंगे तो एक टीम बन जाती है, एक मजा आता है दौड़ने में और एक दूसरे से कॉम्पिटिशन जब होती है तो और ज्यादा वो होता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये आपको करना है। प्लस तीसरी बात है, आपको खाने पे ध्यान देना है। खाना जो होता है, आप सलाद इस समय ज्यादा लें, सलाद है और सब्जी है, दाल है, चावल वगैरह अभी रहने दे, चावल मत खाएं ज्यादा, रोटी भी खाएं लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा मत खाएं, घी मत खाएं अभी या थोड़ा बहुत ले भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये इन सब जो फैट वाला आइटम है वो थोड़ा बहुत कम कर दीजिएगा। पानी आधा लीटर से ऊपर पी लेना आधे घंटे पहले ही, जब दौड़ना हो तुम्हें, जहां भी अपने घर में, मतलब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो जहां भी कर रहे हो, तो आधा लीटर पहले पानी पीने के बाद ही दौड़िएगा। उससे आपके जो गर्मी में जो जितना पसीना वगैरह निकलता है वो सब जो पानी पीते हो सब एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, तो वो जो पसीना निकलता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बॉडी पे। नाक से सांस लेना है, नाक से सांस लेके आप चलेंगे, मुंह खोलना ही नहीं है आपको। अगर नाक में आपके सफाई नहीं तो नाक की सफाई कर लें ताकि अच्छे सांस लें, और कुछ वो आता है नाक में डालने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी नाक में सूजन है या कोई दिक्कत है तो मैं भी उसके बारे में बताऊंगा, तो उससे जो है आपकी नाक में सांस लेने में आराम हो जाएगी। आपको दौड़ने में जब एक राउंड हो जाए, दौड़ने के बाद जैसे एक राउंड होता है, तो आपको प्लस पॉइंट में सोचना है ना कि माइनस में। प्लस में कैसे सोचना है, जैसे आपने प्लस में ये सोचा, अच्छा माइनस में बताता हूं। माइनस में आपने ये सोचा कि अरे एक एक हो गया, एक जो है राउंड हो गया, आपने ये सोच लिया, ये हो गए माइनस थिंकिंग, आपने ये माइनस कर लिया कि अरे यार एक एक तो हो गया अब और भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इस भूल में मत रहना। होता क्या है मैं बताऊं, आपको प्लस में क्या सोचना है, एक राउंड हो गया आपका, जैसे एक राउंड आपने कर लिया तो उसमें ये आपको सोचना है कि एक राउंड हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया है, आपको ये दिमाग में लेके चलना है। फिर तीसरा स्टार्ट हो गया है, चौथा स्टार्ट हो गया है, पांचवां स्टार्ट हो गया है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारह, बारह, ठीक। आपको ये सोच के चलना है, ये नहीं कि एक पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा पूरा हो गया, चौथा पूरा हो गया, ये सोचोगे तो आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी और थोड़ा सा मेंटली आप थोड़ा वीक होते चले जाओगे बॉडी से, इसलिए आपको ये सब नहीं करना है। आपको प्लस में सोचना है कि एक पूरा हो गया, एक दूसरा स्टार्ट हो गया, तीसरा स्टार्ट हो गया, चौथा स्टार्ट हो गया, चलिए ठीक है, ये तो खैर आपने सोच लिया।
अब आपको और क्या बताऊं, अच्छी स्पीड तय करनी है, आपको एक अच्छी स्पीड को बना के रखना है। तीसरी बात, अपनी गर्दन गर्दन को और शोल्डर को आप बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, इससे आपको सांस आने में बहुत आराम होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हफन बिल्कुल नहीं आएगी। एक और चीज है, अगर थकान आपको लग रही है तो एक राउंड पूरा होने के बाद एक नाक से एक लंबी सांस खींच लीजिए और फिर छोड़ दीजिए मुंह से, तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी और एक थकान की कमी जो होगी, थकान जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। जब दौड़ता है तो बहुत लोग झुक जाते हैं नीचे की ओर, तो ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर दौड़िए। अपने हाथ को जो ये होता है इसको 90 डिग्री में ऐसे ऐसे करके रिलैक्स करके दौड़िए, और पैरों का बैलेंस तो आपको बता ही दिया। दौड़ने से 2 घंटा पहले आप कुछ ना कुछ खा लीजिए, उससे आपको जो बहुत आराम रहेगी, खाली पेट दौड़ना ठीक नहीं होता है, तो दौड़ने से 2 घंटा पहले कुछ खा लीजिए, जैसे फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, जिसमें सेब है। सेब मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, सेब से पेट ही भर जाता, हजम भी हो जाता बहुत जल्दी, तो सेब को खा लीजिए। दौड़ते समय आर्म्स जो होती है अपने, ये बॉडी जो होती है उनको स्विंग करें, बहुत तेज नहीं, टाइमिंग के हिसाब से, जो आपकी टाइमिंग है उसके हिसाब से आप स्विंग करें। फ्रेंड के साथ दौड़ने के लिए बता दिया है, और एक बात आपको मैं बताऊं कि आपको जब फाइनल में दौड़ने जाना है तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखिएगा भाई साहब, पीछे मुड़ के देखने से आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, ये समझ लीजिए। और दूसरा, मेंटली भी जो है एक थिंकिंग बैठ जाती कि यार मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, आप ये देखिए कि आपके आगे कितने लोग भाग रहे हैं, आप उनको पकड़िए। ठीक है, दौड़ते समय 4 राउंड तो आदमी नॉर्मली जनरली कर लेता है, जो कि आर्मी में मांगते हैं 1600 मीटर, वो मतलब जनरली पूरी ताकत से लगा देता है, लेकिन जो अगले 4 राउंड है उसके बारे में आप सोचे हो। जब आप 4 राउंड में पूरी ताकत झोंक दोगे तो अगले 8 राउंड आप कैसे मारोगे, पहली बात तो ये है। तो कोई ये ऐसी रेस नहीं कि आप 400 मीटर में वो 48 सेकंड में ही पूरा करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एक अच्छी स्पीड में 4 राउंड मार दीजिए, 4 हमेशा नॉर्मल, जो बीच के 4 राउंड होते हैं वो हमेशा नॉर्मल स्पीड में ही सबके जाते हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। आखिरी के 4 राउंड में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, और जो सबसे लास्ट वाला है, जो सबसे लास्ट वाला राउंड होगा उसमें आप पूरी ताकत झोंक दीजिए, जो बची खुची आपके है सब कुछ उसमें घुसेड़ दीजिए अच्छे से सब, और उसमें करने के बाद आप जो आपके साथ के आगे चल रहे हैं 20-25 लोग दौड़ रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करिए, उनको छोड़िए नहीं। ठीक है, ये जो करिएगा, स्पीड नहीं बढ़ रही है आपकी, स्पीड के बारे में बता दूं मैं, जो बड़े बड़े शहरों में आजकल है, हम तो खैर अभी छोटे शहर में ही पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, बड़े शहरों में स्पोर्ट की दुकान पर पैर में बांधने के लिए आता है, जो आधा आधा किलो के वेट के होते हैं तो उनको बांध लीजिए, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा स्पोर्ट, उसको बांध के दौड़ना स्टार्ट करिए। उसमें आपको थकान लगे, लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे तीसरे दिन लगने दो, बाद में उसको पहन के दौड़ने की आपको हैबिट हो जाएगी। तीसरी बात है, जिनके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है पूरे देसी अंदाज में, उनको मैं बता दूं कि आप एक मोजा ले लीजिए, जो सॉक्स होता है मोटे कपड़े में, नया सॉक्स ले लीजिए, नए सॉक्स में आप आधा आधा किलो बालू भर दीजिए और उनको 3 पार्ट में मोजे को लंबा करके ऐसे 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 मतलब बराबर कर दीजिए और उसको 20 से सिलाई कर दीजिए 3 पार्ट में बालू की, और फिर उसको पैर में बांधिए। सिलाई के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर पूरा मोजा ऐसे ही भर के बालू बांध लेंगे तो दौड़ते समय बालू एक जगह इकट्ठा हो जाएगी और आपका बैलेंस नहीं बनेगा या फिर अनकंफर्टेबल होगा, फील नहीं अच्छा नहीं आएगा फील, तो इसलिए आप उसको कटिंग करके उस जगह हाथ से सिल दीजिए, हाथ से सुई से सिल दीजिए, बना दीजिए फर्स्ट क्लास और उसको पहन के आप दौड़िए। तो चीज वही है, बस वो थोड़ा सा मॉडर्न है और जो अपने यहाँ गाँव के लोग हैं उनके लिए खैर ये चीज नहीं अवेलेबल है, तो आप इसको करिए। इसको करने के बाद आपको चीटिंग नहीं करनी है, एक दिन दौड़ लिया खोल के फिर दौड़ के देखे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये आप अपने आप से ही चीटिंग कर रहे हैं। हमसे चीटिंग नहीं करेंगे, अपने गुरु जी से नहीं करेंगे, आप अपने आप से चीटिंग करेंगे।
आप कम से कम एक हफ्ते तक इसको ट्राई करिए। एक हफ्ते ट्राई करने के बाद में इसको खोल के एक दिन अपना टेस्ट ले लीजिएगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों मेरा ख्याल है कि अकेले दौड़ने से आदमी जल्दी थक जाता है, और जब आप दो लोग दौड़ोगे तो ज्यादा आप दूसरे को सपोर्ट मिलेगा और एक दूसरे से आपस में कॉम्पिटिशन भी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अभी मैं आपको और भी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, और मेरे गुरुजी ने मुझे जो ट्रिक्स बताई थी फिलहाल मैंने अभी आपको बताई। अपना हमेशा कंसंट्रेट रहिएगा, दिमाग इधर उधर मत भगाइएगा, दाहिने बाएं नहीं मोड़िएगा, किधर भी नहीं आपको देखना है। ज्यादा खट्टा कुछ नहीं खाइएगा जिससे गला सूख जाए आपका। थोड़ा सा गुड़ आप चाहे तो रख सकते हैं अपने पास, मौके पे अपने मुंह में डाल लें। पानी ना पियो उसके बाद, पानी पी लेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। गुड़ खा लेंगे आपके लाल बनती रहेगी, मुंह नहीं सूखेगा, और सांस तब भी आपको नाक से ही लेनी पड़ेगी। नाक से ही लीजिए सांस और अच्छे से दौड़िए। और दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत जल्दी ही पास हो जाएंगे और मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत जल्दी आपको मैं वेट करूंगा कि और इस सिलेक्शन में आपको मेडिकल के बारे में अभी मैं बताऊंगा, आप जल्दी से क्वालिफाई करिए। पहले मैं बहुत बेसब्र हूँ आप लोगों के लिए, और जल्दी आप क्वालिफाई करिए इस चीज को, और फिर मेडिकल के बारे में बताऊंगा। और जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें आप तुरंत लिख के दीजिए, हमारे में कमेंट करिएगा, और बस फिर दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।